मंजा सिंह मेरे सभी साथीगण, हमारी उम्मीदवार बेटी प्रतिमा बागरी जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा को प्रणाम स्वीकार करें, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। ये वो क्षेत्र है जहां बरगी डैम का पानी आना है। थोड़ी देर हो गई है लेकिन अंधेर नहीं होने दूंगा, दिन और रात टनल में काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस काम को लगभग एक साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद हमारे क्षेत्र में नर्मदा मैया का पानी आएगा और हरियाली और खुशहाली दोनों लेके आएगा। मेरे किसान भाइयों, मैं जानता हूं बिन पानी की खेती में क्या होता है। आज सतना जिले के बड़े हिस्से में या रीवा में बाणसागर का पानी जहां जहां है, वहां सुख समृद्धि भी आई है और रिद्धि सिद्धि भी आई है। अकेले सतना जिले में, केवल अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल 300 करोड़ रुपया का गेहूं और धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। अगर बरगी का ये पानी आ गया तो मुझे विश्वास है 300 करोड़ से 600 करोड़ होने में देर नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इसलिए नहीं है कि हम सत्ता प्राप्त कर लें और जनता को भूल जाए। आज ईमानदारी से आप देखिएगा, गणेश जी बता रहे थे, चाहे रीवा जिला हो चाहे सतना जिला हो, बिंद की पवित्र धारा हो, यहां सड़कों का जाल, एक जमाने में जब दिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे तब सड़कें कैसी थी याद कर लीजिए, गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढम गड्ढे थे पता ही नहीं चलता था। आज वो हमसे बात करते हैं, उस जमाने में तो अगर सतना से सीधी जाना हो, रीवा जाना हो, रीवा से इलाहाबाद जाना हो, शंकरलाल तिवारी जी भी बैठे, तो हालत ये हो जाती थी कि गाड़ी खाए, हिचको ले, अड्डा पसरा, सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले, सत्यानाश कर दिया था पूरे प्रदेश का। अब आजकल दिग्गी राजा कमलनाथ हमसे बात करते हैं। अभी मैंने बेटियों को बैठने की बात की, हम कन्या पूजन करते हैं तो कांग्रेसों को उसमें भी आपत्ति होती है, मुख्यमंत्री कन्या की पूजन करता है, इनका कन्या पूजन नहीं करूं तो क्या कांग्रेसों का पूजन करूं? ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति और हमारा विश्वास है। लेकिन जिन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था, याद करो वो 15 महीना के लिए लौटे थे, 15 महीना लौटे आए। अरे हमने तो ये सोचा था कि अब तो 5 साल का मामला खत्म, लेकिन 15 महीना में ऐसा हाहाकार मचाया उनने कि मैहर वाली मैया ने 15 महीने में सरकार बदलवा दी। और 15 महीना में क्या क्या नहीं किया, कांग्रेस के मित्र आज वोट की बात करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, 0% उनके जमाने में 15% ब्याज पर कर्जा मिलता था, हमने घटा के किया था 0%, 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद, दिखाया था कर्जा माफी का सपना, वादा पूरा नहीं किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी की क्या दुर्गति हुई थी कमलनाथ के जमाने में, सतना जिले के भाई और बहन भूले नहीं होंगे। धान रखी उग गई थी, चाहिए कोई खरीदने वाला नहीं मिलता, लेकिन कोरोना के कठिन काल में भी, कोरोना के कठिन काल में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उसके पहले कोरोना फैल गया, हमने गेहूं का भी एक एक दाना खरीदा और धान का भी एक एक दाना खरीद के आपके पसीने की पूरी कीमत दी। किसान का कल्याण हमारा संकल्प, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में योजना बनाई और उन्हें तय किया कि छोटे से छोटा किसान भी अगर होगा
तो उसके खाते में 7,500 रुपया डाले जाएंगे, 2,000 करके 3 बार। अब 15 महीने बाद मैं मुख्यमंत्री बन गया, चौथी बार बना तो मेरे दिल ने भी कहा शिवराज चौथी बार बना ले, 4,000 तू भी डाल तब काम चलेगा, 10,000 तो कम से कम हो जाए। तो 4,000 से बढ़ा के हमने 10,000 किए, 6,000 से बढ़ा के 10,000 किए। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सवाल हो, समर्थन मूल्य पर खरीदी का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, बाण सागर कब से सुनते थे, बाण सागर बाण सागर बाण सागर, अगर बाण सागर भी बन के तैयार हुआ तो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और आज मैं आपको फिर वचन देता हूं कि नर्मदा जी का पानी आपकी धरती पर लाकर ही चैन की सांस लूंगा, यह हमारा संकल्प है। कांग्रेस तो गरीबों की योजना बंद करती है, गरीबों की बात करते हैं, संबल योजना बंद करने वाली कांग्रेस। अब संबल योजना से तकलीफ क्या थी, और ठीक है संबल योजना, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं हमने योजना बनाई थी किसी समाज के गरीब हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के हो। कई जगह मुझे बच्चे मिलते थे, वैसे तो बच्चों को किताबें साइकिलें गांव गांव स्कूल खोलना कई काम किए थे, लेकिन कई जगह बच्चे मिलते थे कि मामा पढ़ने में तो तेज है रे, लेकिन कॉलेज में पढ़ने के पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो पता चला फीस भरने का पैसा। संबल में मैंने प्रावधान किया था सामान वर्ग पिछड़ा वर्ग एससी एसटी कोई भी हो, बच्चे अगर पढ़ने में हमारे तेज है टैलेंट है इंटेलिजेंट है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो उनकी फीस चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8,00,000 रुपया साल भी हो तो उनके मम्मी पापा नहीं उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरता है। कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद कर, मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी, तुमने उनकी फीस छीन ली, मेरी बहनें बड़ी संख्या में आ बैठी है, हमने योजना बनाई कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000, इसलिए कि वो घर पर रहकर आराम कर सके जन्म के पहले दिन। नहीं हमने देखा कि बेटा बेटी को जन्म देने के 8 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, हमका जन्म के पहले भी 4,000 देंगे ताकि महीना भर आराम तो करे और जन्म के बाद 12,000 ताकि गरीब बहन भी लड़ुआ खा सके लड्डू खा सके। भैया मुख्यमंत्री तो हमका गरीब बहनों को भी लड़ुआ का पैसा भेजा, कमलनाथ जी ने तो वो भी छीन लिए मेरी बहनों, वो लड्डू के पैसे एक्सीडेंट में मौत हो जाए हम 4,00,000 देते थे वो 4,00,000 बन, सामान्य मौत पर 2,00,000 देते थे वो 2,00,000 देना भी बन। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की हमने व्यवस्था की थी, कमलनाथ और कांग्रेस ने तो कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए, कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए। अब मैंने संबल योजना फिर चालू कर दी है और इसलिए आज समरवाड़ा में भी मैं कह रहा हूं मेरे बेटा बेटियों पढ़ो, अब चिंता फिता मत करना, तुम्हारे मामा का वादा और वचन है कि तुम्हारा एडमिशन उच्च शिक्षण संस्थान में होगा तो पूरी फीस मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम अपने बच्चों का भविष्य धन के अभाव में अंधकार में नहीं होने देंगे, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी प्राथमिकता है और ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी प्राथमिकता है। रोटी के लिए सस्ता अनाज, मुझे कहते हुए गर्व है 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक कांग्रेस में नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना प्रारंभ किया और मोदी जी ने तो गजब कर दिया, जब कोरोना आया तो तय कर दिया नवंबर तक फ्री में ही देंगे 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री में देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये सस्ता राशन और उसमें भी हमारे सांसद जी बैठे, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी आ बैठे, राजेंद्र शुक्ला जी आ बैठे, हमने तय किया कि अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो तो नाम जोड़ेंगे, पात्रता पर्ची बनाएंगे, कोई मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, सबको राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
राम की चुड़ैया है, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया है, भर भर पेट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई बूटा ना सो इससे सस्ता राशन। और दूसरी बात तो मैंने देखी इस चुनाव में, मैं और जब गया क्योंकि कोरोना में ज्यादा निकल नहीं पाया, तो एक समस्या मुझे और बताई, और वो समस्या मुझे बताई, मैं गया तो कई गरीब भाई और बहनों ने बताया कि हमारे तो घर में रहने की जगह नहीं है, क्योंकि दादाजी के बेटा बहू आ गए, एक नहीं चार बेटा, तो चार बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, तो एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, रहे जैसे। अगर पीएम आवास योजना का मकान भी स्वीकृत हो जाए तो बनाने की जगह ही नहीं हमारे पास। और इसलिए हमने एक फैसला किया, मैं आदरणीय मंच को भी बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ से गया भोपाल में अफसरों की बैठक बुलाई, मैं ये अंतरात्मा से मानता हूँ कि अगर कुछ पैदा हुआ है तो इतनी जमीन का तो हक है उसको कि अपना घर बना के आराम से वो उसमें रह सके। इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना और तय कर दिया एक परिवार, एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे एक परिवार है। अगर एक घर में चार रह रहे हैं और तीन को रहने की जगह नहीं है, उसी घर में सास बहू भी है, बेटा बहू भी है, नाती पोता भी है, तो हमने फैसला किया है ऐसे हर एक परिवार को एक यूनिट मान के हम जमीन का पट्टा देके जमीन के टुकड़े का प्लाट का मालिक बनाएंगे। और जब सरकारी जमीन उपलब्ध होगी वहां सरकारी देंगे, या सरकारी उपलब्ध नहीं होगी वहां खरीद के भी देना पड़ा तो देंगे, लेकिन जमीन का मालिक तो बनाऊंगा, रहने की जमीन का मालिक। आप बताओ होना चाहिए कि नहीं सबको? अरे बताओ होना चाहिए कि नहीं? दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, अब जीने के लिए तो रहने की जमीन तो चाहिए। और दूसरी बात, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, आवास की जो मकान थे प्रधानमंत्री आवास योजना, कई जगह मकान मिले नहीं, अब कार्यकर्ता जहाँ जाते हैं वो घेर लेते, लाओ मकान के तो नहीं है, मकान में नाम नहीं है, मकान में नाम नहीं है। 2011 में सर्वे हुआ, वो सर्वे डिफेक्टिव था, कई नाम छूट गए, और इसलिए अब हमने फिर से सर्वे करवाया है, आवास प्लस का सर्वे। नेतृत्व भी इसका ध्यान रखेगा कि वो गरीब आदमी जिसका आवास योजना में नाम छूट गया है, आवास प्लस का सर्वे होकर सूचियां बन गई है, कोई नाम छूट गया तो वो भी जुड़वाएंगे, और केवल सर्वे नहीं होगा, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ के पैसे देके उनके पक्के मकान खड़े करवाएंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे बड़ा ना हो छोटा सा तो होए गरीब के घर मकान, गरीब हो छोटा किसान हो, हर एक की ललक रहती है कि कम से कम उसका रहने का घर ऐसा तो हो कि बच्चों के साथ वो आराम से रह सके। हमें झूठ नहीं बोलता, एक साल में हम नहीं दे पाएंगे, तीन साल चार साल, क्योंकि लगभग मुझे 1,00,000 मकान सतना जिले में बना है, और 1,00,000 मकान का मतलब है हर साल 25-30 हजार बना के हम 3-4 साल में सबको मकान के पैसे दे देंगे ताकि मकान की व्यवस्था हो जाए। कांग्रेस ने क्या किया था पता है? सांसद जी को पता होगा, इन्हें जितने मकान आए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के 40% पैसा देना पड़ता राज्य सरकार को, कमलनाथ ने इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री के मकान वापस लौटा के कई गरीबों को घरों से वंचित करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया, कांग्रेस ने किया, विकास के सारे काम सब हो गए। और इसलिए मैंने कहा कि आने के बाद हमने ये योजना फिर से सब चालू की, रोटी की बात मैंने कही, मकान की बात मैंने कही, बच्चों के पढ़ाई की फीस की बात मैंने कही, और चौथी बात, ये कोरोना काल में मैं जानता हूँ कोरोना काल में हमने अभी कई को खोया है, हमारे कई वरिष्ठ नेता, कई साथी यहाँ से भी, दादू भाई लोधी जी का निधन हुआ था, मैं उनके चरणों में श्रद्धा के समय अर्पित करता हूँ। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, और सच में मैं तो दोनों लहर में आज आपके सामने कह रहा हूँ, एक एक हफ्ते आंख से आंख नहीं लगी, जब ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ था रीवा से फोन आता था, सतना से फोन आता था, 2 घंटे की बची है, 1 घंटे की बची है, जल्दी ऑक्सीजन भेजो, रात भर जग के ट्रक के ड्राइवर से भी बात, टैंकर के ड्राइवर से बात करते थे कहां तक पहुंचे, जल्दी आओ कहीं जान नहीं निकल जाए किसी की। लेकिन धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को, आज हम कोरोना से लगभग मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया, फ्री में मोदी जी ने वैक्सीन दी, पर लगवाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी।
यहाँ जितने भाई बहन बैठे उन्हें वैक्सीन लगवाई कि नहीं? भैया कोई रह जाओ तो लगवा लेना,